अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, एक मिनट एक टॉक। असल में मेरे जो बच्चों की जो फीडबैक आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चाची हो या मामो, आपके जो लेक्चर होते हैं वो 5 मिनट लंबे होते हैं, हमारे पास टेम्परमेंट नहीं है, इतना टाइम नहीं है, आप मज़ीद उनको छोटा करें। तो बस भाई, मैं एक मिनट एक टॉक की चीज़ शुरू कर रहा हूँ, मैं अब इससे मज़ीद मैं छोटा नहीं कर सकता। तो जो आज का जो मेरा लेक्चर है, वो जो मेरी टॉक है, वो मैंने की है प्रोफेशनल एंड एथिक। और ये जो लेक्चर है मेरा, ये मैंने इमाम गजाली की और डेरन हार्डी की और कासिम अली शाह की बुक से ड्राइव किया है। असल में दो किस्म के लोग हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अपने सोसाइटी में, अपने माशरे में, अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। कि एक एक लोग वो होते हैं जो प्रोफेशनली बहुत सॉलिड होते हैं, उनका IQ बहुत तेज होता है, उनकी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, वो उनका नाम होता है अपने काम के अंदर, लेकिन वो एथिकली साउंड नहीं होते। एक ग्रुप दूसरा होता है जो बीच में होते हैं, अपनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप प्रोफेशनली इतनी ग्रिप चीज़ों की नहीं होती है, और आपको प्रोफेशनली बहुत मेहनत कर रहे होते हैं आपको, लेकिन एथिकली बहुत साउंड होते हैं। तो डेरन हार्डी ने तकरीबन 733 बिग शॉट को, बड़े जो स्कॉलर्स हैं, कामयाब लोग हैं, बिलियनर लोग हैं, उनके एनालाइज को एनालाइज करके कहा है, ये सब के सब वो लोग हैं जो एथिकली बहुत साउंड थे। एथिकली हम समझते हैं कि जो जना नहीं करता, जो पोर्क नहीं खाता, जो शिर्क नहीं खाता, तो वो जो है वो एथिकल नहीं है, बाकी सब एथिकल है। एथिक मतलब ये होता है कि आप वो कितने ऑनेस्ट हैं अपने काम में और लोगों के साथ। एथिक ये है आप प्रॉमिस कितना लोगों के साथ पूरा करते हैं। एथिक ये है कि आप झूठ कितना बोलते हैं और अपने छोटे फायदे के लिए आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को डिग्रेड तो नहीं करते, आपके अंदर एरोगेंस तो नहीं है, आपको ईगो प्रॉब्लम तो नहीं है, आप लोगों को धोखा तो नहीं देते, आपको हमें पेशेंस कितना है, जेलेसी कितनी है, डबल फेस कितने हैं। तो जो भी चीज़ जो आपकी अखलाकियात में आती है, जो एथिक है, वो ये है। तो इमाम गजाली कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं है, आपकी कामयाबी कुछ भी नहीं है अगर अल्लाह ताला आपको हिदायत ना दे। हम अल्लाह ताला की मदद के बगैर हम लोग में कोई सलाहियत नहीं है। ख्याल दिमाग में आता है कि मैं बड़ा इनोवेटिव हूँ, तो ख्याल कहाँ से आता है? कोई साइंस ने प्रूव किया है कि साइंस ख्याल कहाँ से आता है? ख्याल अल्लाह ताला आपके दिमाग में लाता है, वो अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला का गिफ्ट है। तो कट एंड शॉर्ट, कि आप जिस तरह प्रोफेशन पे काम करते हैं, अपनी डिग्री के लिए काम कर रहे हैं, जॉब हार्ड कर रहे हैं और अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं, उससे ज्यादा मेहनत करें अपने एथिक के अंदर। इसलिए कि अगर कोई आदमी प्रोफेशनली बहुत सॉलिड है, उसकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर वो एथिकल सॉल्व नहीं है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी ओवर द पीरियड जाकर खत्म हो जाएगी, अगर वो ट्रस्टवर्दी नहीं रहेगा। तो जो मेन चीज है आपको सक्सेस के लिए, वो एक तो अपने एथिक पे काम करने की और अपने प्रोफेशन पे काम करनी है। इसलिए अगर आप एथिक पे काम करेंगे तो अच्छे तरीके से साउंड होंगे, तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में रहमत लेके आएगा, आपकी दुनिया भी बनेगी और आपकी आखिरत भी बनेगी। जज़ाकअल्लाह खैरिन, खुदा हाफिज़।